के क्वेश्चन जो थे रिवीजन क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन दिया था व्हाट इज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड में लिखना था अदर नेम ऑफ फेनॉल इज कार्बोलिक एसिड, है ना। तो कार्बोलिक एसिड क्या है? फेनॉल है। उसके बाद दिया था हाउ फेनॉल इज प्रिपेयर इंडस्ट्रियली। ओके, इंडस्ट्री में फेनॉल कैसे प्रिपेयर करते हैं। फेनॉल प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है, क्यूमिन यूज किया जाता है। ओके, क्यूमिन से बनाया जाता है। जैसा क्यूमिन जो क्यूमिन का दूसरा नाम पता ना बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है ना। अच्छा, तो वो भी भूल गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन O2 दिया तो इस हाइड्रोजन हट के यहाँ पे दो ऑक्सीजन आ जाएगा, उसके बाद इस जगह पे ब्रेक हो जाएगी, ये वाला OH ग्रुप फेनॉल के साथ लग के फेनॉल बन जाएंगे, ये वाला CH3CO बन जाएगा। ये वाला इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इसीलिए है बिकॉज यहाँ पे फेनॉल भी बनता है और एक बाई प्रोडक्ट इसका एसीटोन भी बनता है। एसीटोन एंड फेनॉल दोनों का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इस तरीके से किया जाता है, दोनों साथ साथ बनता है। एक बहुत बढ़िया बात हुई। उसके बाद हमने दिया था गैटरमैन एंड सैनमियर रिएक्शन में से कौन ज़्यादा बेटर इल बनाते, कौन बेटर इल बनाता है, किसका प्रोडक्ट अच्छा रहता है। तो उसमें क्या है कि सैनमियर रिएक्शन, बिकॉज सैनमियर रिएक्शन में एक सॉल्यूशन बनेगा और एक गैस बनेंगे, तो गैस आउट हो जाएंगे और हम लोग जो एल्काइल हैलाइड जो है एराइल हैलाइड से उसको आराम से मिल जाएंगे। दूसरी बात हमने पूछा था एस्पिरिन में कितने CHH ग्रुप है, तो ऑनलाइन में आंसर आया था दो, दो नहीं होता एक होता CHH। दो जो मान लो CHH ग्रुप होती है वो कौन सा एसिड में दो CHH ग्रुप होती है, थैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। ओके, टेरिथैलिक एसिड। थैलिक एसिड में क्या होता है, थैलिक एसिड में कॉन्जिक्यूटिव में CHH ग्रुप होता है, टेरिप्थेलिक में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सॉरी तुम्हारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजिशन में रहता है, ये वाला होता है टेरिप्थेलिक एसिड, मालूम है थैलिक और टेरिप्थेलिक, टेरिप्थेलिक ये वाला होता है। यहाँ पे CHH ग्रुप हो गया तो टेरिप्थेलिक, और थैलिक होगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो फोर्थ वाला एस्पिरिन के बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमने दिया था वैनिलिन, वैनिलिन का स्ट्रक्चर बनने दिया था। वैनिलिन में तो OCH3OH CH हो रहा है वैनिलिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया था, सिनेमाल्डिहाइड, सिनेमाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाने का टाइम में तुम्हारा मिस्टेक हो रहा था, तुमने सिनेमाल्डिहाइड में CO ग्रुप लगा दिया था, CHO ग्रुप होगा और फर्स्ट एंड सेकेंड वाला पोजीशन में डबल बॉन्ड रहेगा। उसके बाद DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इथेन मान लो दो कार्बन है ना स्ट्रेट लाइन में, डाइक्लोरो डाइफिनाइल मान लो वो जो फिनाइल के ऊपर दो क्लोरीन ग्रुप है ना, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, वहां पे तीन क्लोरीन ग्रुप है तो ट्राइक्लोरो इथेन। अच्छा, उसके बाद जब कपलिंग रिएक्शन दिया था, कपलिंग रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं लिख पाए थे, कपलिंग रिएक्शन के लिए जरूर ध्यान रखिएगा, कैसे याद रखते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शंस में एक तो जो लेफ्ट वाले में जो एक तो तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो होगा, और दूसरा एक होगा फेनॉल एक होगा एनिलिन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या बोलता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के बीटीसी बोलता है। कपलिंग रिएक्शन होगा तो इससे ध्यान रखो, कपलिंग रिएक्शन
कापलिंग रिएक्शन में BDC आएगा, कापलिंग रिएक्शन में BDC आएगा, BDC कापलिंग, ओके। कापलिंग जो ऐसा करोगे, इधर पे B, इधर पे D, BDC कापलिंग रिएक्शन है। तो कभी भी भूल गया तो कापलिंग है तो जाए एग्जाम में जाके भूल गया, अरे भाई कापलिंग रिएक्शन कैसे होगा, नहीं होगा, तो सी लिखा, सी का इधर पी है, उसके बाद पी है, उसके बाद याद आएगा BDC बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके बाद जब फेनॉल होगा, फेनॉल में OH ग्रुप लगेगा, और एज इट इज बहुत आसान है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन को छोड़ देना, इसमें से क्या होगा दो कर लेना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की डबल बॉन्ड आएगा, और ये इधर से आराम से अटैच हो जाएगी, इसका हाइड्रोजन हट जाएगी तो इधर से होकर वाटर बन जाएगी और क्लोरीन आयन माइनस में ला जाएगी, ठीक है, इसके चार्ज उधर पहुंच जाएंगे, ठीक है।